तो आज हम लोग कर रहे हैं कार्डिनलिटी। अच्छा, कार्डिनलिटी मैंने नंबर थ्योरी वाले क्लास में भी बताया था कि कार्डिनलिटी क्या होता है। ठीक है, ठीक। तो ये ना सिंपली, जैसे मान लीजिए मैंने एक शीट ले लिया ए, जिसके अंदर ए बी सी, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप एलिमेंट काउंट करके बताओगे, आप बोलोगे कि तीन एलिमेंट हैं। तो इसका जो कार्डिनलिटी हो जाएगा, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा थ्री। अच्छा, नंबर थ्योरी वाला याद हो तो उसमें हम लोग जब सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, तो सेट थ्योरी में कार्डिनलिटी को डिनोट करने का मैंने तरीका ये बताया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसको ये वाला कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा और मोस्टली जगह ये चीज़ मिलता है। अंडर टेंथ तक हम लोग यहीं पढ़ते हैं। तो कार्डिनलिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट शेड। तो ये तो हो गया जहाँ हम गिन सकते हैं, और जहाँ हम गिन नहीं सकते, जहाँ काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पर हम कैसे बताएंगे कितने एलिमेंट हैं हमारे पास। ठीक है, तब वहाँ से एक आता है कार्डिनल नंबर का कंसेप्ट। ठीक है, तो सिंपली कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है जो ऐसे कर लीजिए, जो मतलब नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर के शेट में कितने एलिमेंट्स इसको डिनोट करने के लिए, या फिर पॉजिटिव इंटीजर के शेट में कितने एलिमेंट्स इसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और ये हो गया सिर्फ बिल्डर फॉर्म। ये आपके शेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए टर्म मुझे याद आ गया, तो मैंने बता दिया कि एक में क्या होता है हम लैंग्वेज में लिखते हैं, और एक में क्या होता है उसके एलिमेंट्स को नोट डाउन करते हैं। ओके, तो जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक्स ले लिया, वो सारे नेचुरल नंबर सच दैट कोई भी आप जैसे बना लीजिए शेट सच दैट एक्स इज इवन, मतलब इस टाइप से मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें कितने होंगे, तो आप इसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, और आप इजीली बोल सकते हैं कि ए कार्डिनलिटी ऑफ ए वन विल बी वन। ठीक है, अच्छा, कार्डिनलिटी को सॉरी, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, एक तो बोला था कि आप ऐसे हैश वन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए लिख सकते हैं, और एक फॉर्म है आप ऐसे मॉडुलस टाइप का सिंबल यूज करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्डिनलिटी वाला। तो सिंपली जैसे एलिमेंट को, तो जब हमारे पास इनफाइनाइट सेट आता है, ठीक है, मान लीजिए जिसमें फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से कार्डिनलिटी का कंसेप्ट आया हुआ है, मतलब कार्डिनल नंबर का आया हुआ है। तो कार्डिनल नंबर बेसिकली क्या है, एक ऐसे ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ठीक है, मतलब ये है जो फाइनाइट से बड़ा, बहुत बड़ा लार्ज नंबर है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एब्सोल्युटली इनफाइनाइट न है। ठीक है, तो फाइनाइट से बड़ा जो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट की इक्विवेलेंट हो, बट इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जितने फाइनाइट नंबर है उन सबसे बड़ा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जो कार्डिनल नंबर की बात करते हैं, जो इसकी कार्डिनलिटी की बात करते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स की, वो सिंबल है। जैसे मैं कार्डिनलिटी सिंपल ले, तो यहाँ पे तो ये जो हमने अब तक देखा। ओके, अब अगर एज्यूम कर लीजिए कि ए क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, या फिर कह लीजिए पॉजिटिव इंटीजर का सेट है। ठीक है, दोनों बात बराबर ही है, या आप डब्ल्यू भी बोल सकते हैं, डब्ल्यू क्या था, सेट ऑफ होल नंबर। तो ए क्या हो जाएगा, इसके लिए एक एन जैसा ऐसे सिंबल यूज होता है, शायद मेरा उस टाइप का ना बन पाए जिस टाइप का होता है, इस टाइप का कुछ सिंबल होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अलिफ नोड। ठीक है, आई थिंक सब लोग इसको जानते होंगे। ओके, ये होता है सेट ऑफ इफ ए इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर, या सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, या सेट ऑफ होल नंबर, तो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी अलिफ नोड। ठीक है, अब इसी तरह एज्यूम कर लीजिए, अगर आपका ए क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, सी, ए ओ वाला सी, इसको कर्ली में सी आप लिख लीजिए, इस टाइप से होता है। ये होता है कंटिन्यूम नंबर। ठीक है, क्या होता है आप भूल जाइए, सिंपली ये समझिए कि आपको जो अब तक काम पड़ेगा पूरे पेपर में, बस इस अलिफ नोड का काम पड़ेगा और इस सी का काम पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, आप काउंटेबल नंबर की कार्डिनलिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ए अनकाउंटेबल नंबर की दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी इतना इसको रफली लेके चलिए, फिर इसी में मॉडिफिकेशन हम लोग करते जाएंगे और सिंबल यहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इक्विवेलेंट सेट, जैसे सेट थ्योरी में हमने वन 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 टू पढ़ा था। ठीक है,
तो उसको दो सेट को यहाँ पे ले लीजिए। तो वहाँ पे शायद हमने बताया था कि नहीं बताया था, अगर ए एक सेट है और एक बी सेट है और इनके बीच में हम एक मैपिंग डिफाइन कर पा रहे हैं जो क्या हो, वन वन ऑन टू हो, तो बोलेंगे ए इक्विवेलेंट टू, मतलब ऐसे इक्विवेलेंट टू बी। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब इन जनरल जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या है ना, अगर एक काउंटेबल सेट है, ठीक है, काउंटेबल सेट क्या होता है वो सब हम बाद में देखेंगे, अभी मान के चलो कुछ ऐसा होता है। तो अगर एक काउंटेबल सेट है और दूसरा एक कोई सेट है जिसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उस काउंटेबल सेट के साथ वो जो दूसरा सेट है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर हम लोग वन वन ऑन टू रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट होने का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ, हमारे पास एक सेट जेड है, ठीक है, इसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और एक सेट नेचुरल नंबर का सेट एन है, ठीक है, इसके बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि एक काउंटेबल सेट है, ओके। अगर इन दोनों के बीच मैंने एक रिलेशन ऐसा इस्टेब्लिश कर दिया एफ, जो क्या है वन वन एंड ऑन टू दोनों है, ठीक है, दैट इज ए बाइजेक्टिव मैप मिल जा रहा है हमें एन से उस सेट के बीच, तो हम बोलेंगे कि अगर ए सेट काउंटेबल है तो ए भी सेट काउंटेबल हो जाएगा। इतना ही का काम है आपको, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे इतना से आपका काम बन जाएगा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ए वन वन ऑन टू वाला, तो इसको अगर एज ए रिजल्ट लिखे तो हम क्या कहेंगे, रिजल्ट कहेंगे टू सेट्स, अच्छा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एक सेट में मान लीजिए ए बी सी डी, हमने चार एलिमेंट ले लिया, दूसरा सेट ले लिया वन टू थ्री, ऐसे फोर ले लिया, ठीक है। तो आपने नंबर थ्री में या सेट थ्री में ऐसा पढ़ा होगा कि अगर हम एक मैपिंग ऐसा ले रहे हैं जिसमें क्या हो कि ए में और बी में जो है ना, मतलब ए टू बी, तो अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए और फंक्शन वन वन हो जाए तो ए ऑन टू भी हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर फंक्शन वन वन होना ही इम्प्लाई कर देगा क्या बोलते हैं इसको, बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर फंक्शन हमारे पास एफ ए से बी में कोई मैपिंग दिया हुआ है जहाँ पे दोनों की कार्डिनलिटी सेम है और ये फंक्शन वन वन है तो ए ऑन टू भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बाइजेक्टिव के टर्म में भी बोलेंगे। तो बाइजेक्टिव को हम लोग यहाँ क्या बोल रहे थे कि अगर बाइजेक्टिव मिल रहा है तो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं, तो हम सिंपली ऐसे बोलेंगे अगर दो सेट की कार्डिनलिटी सेम है तो उन वो दोनों सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे, मतलब उनके बीच में जैसे आप बोला ना दो सेट के कार्डिनलिटी इक्वल हो गया ना, तो इनके बीच में एक बाइजेक्टिव मैप मिल जाएगा, ठीक है। तो टू सेट ये फाइनाइट में भी बोल रहे हैं, सेम चीज़ हम इसको एक्सटेंड करते हैं इनफाइनाइट पे, ठीक है, इनफाइनाइट मतलब काउंटेबल पे, अनकाउंटेबल पे नहीं, अनकाउंटेबल में बहुत सारे कंट्राडिक्शन आपको मिल जाएंगे, ओके। टू सेट्स हैव, ओके, अब इक्विवेलेंट मतलब ऐसे समझिए वन वन प्लस ऑन टू, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली ए वन वन ऑन टू आप जानते हैं, तो वन वन ऑन टू लिख कहने से आपको बात समझ में आ जाएगा, अच्छा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो उसी वन वन ऑन टू को जो हम लोग वन टू वन क्रस्पॉन्डेंस बोलते थे, यानी बाइजेक्टिव बोलते थे, तो वहीं अगर वैसा हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अलिफ नोट लिया था, अलिफ नोट क्या था, एक सिंबल था जो कुछ इस टाइप से एन एन जैसा दिख रहा था, ठीक है, एक सिंबल है, एजुम कर ले एबीसी आप जो भी जानते हैं ना उसी टाइप का एक सिंबल है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दूसरा रिजल्ट ये है कि कोई भी काउंटेबल सेट होगा, काउंटेबल सेट इन्यूमरेबल या डिन्यूमरेबल दिया रहेगा, ठीक है, मतलब काउंटेबल का मतलब ऐसे समझ जिसको आप काउंट कर सकते हैं, मतलब वन वन के एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ, अच्छा इसको लिख लेता हूँ, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ किसकी, ये मोड टाइप का सिंबल वाला लगा रहा हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ डिनुमरेबल शेप, ठीक है, काउंटेबल से तो आप समझ ही रहे हैं, तब दूसरा वाला वर्ड हम लोग यूज करें डिनुमरेबल शेप, ए क्या हो जाएगा, अलीफ नो, ठीक है। अच्छा जब बस मैंने इतना ही बताया, अच्छा कुछ आपको और हिंट दे दे रहा हूँ कि जैसे मैं हाँ काउंटेबल की बात कर रहा था, ऐसे समझिए जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के एलिमेंट क्या है, वन टू थ्री फोर,
भले इन्फिनिटी इन्फाइनाइट नंबर तक गया, ठीक है, बट इसको देखिए हम काउंट कर सकते हैं ना। तो इसी तरह किसी सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल सेट हो जाएगा। ओके, तो आप फाइनाइट सेट फिर क्या होगा, देखिए कुछ कुछ जगह सिर्फ काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करता है, कुछ कुछ जगह काउंटेबल, एट मोस्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल की बात करता है, ठीक है। तो जैसे जो लोग रूडीन पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एक वर्ड है एटमोस्ट काउंटेबल, ठीक है, तो एटमोस्ट काउंटेबल का भी मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, फाइनाइट कोई सेट है तो क्या होगा है? फाइनाइट सेट में कुछ लिमिटेड एलिमेंट होंगे, 1, 2 ऐसे ऐसे, मान लो 1 करोड़, 1 लाख, मतलब कितना भी हो सकते हैं, लेकिन होगा तो फाइनाइट ही ना। मतलब इसको हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। काउंट करने का मतलब आप इसको इस नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ 1-1 क्रोस्पोंडेंस बैठा सकते हैं। अब ये नेचुरल नंबर का सेट का मतलब ये नहीं कि पूरा इन्फिनिटी तक है, आप इसका कोई भी सबसेट ले लीजिए, जैसे 1, 2, 3, आप 3 ले लिए, तो जैसे मैंने मेरे पास कोई सेट ए बी सी है, तो इस तीनों का इसके साथ हमको 1-1 क्रोस्पोंडेंस बिठा दिए, तो हमें पता है कि ए सेट नेचुरल नंबर्स का सबसेट है और एक काउंट नेचुरल नंबर का कोई भी आप सबसेट लोगे वो काउंटेबल ही होगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट कुछ मैं रिजल्ट बाद में बता दूंगा। तो इसके साथ 1-1 क्रोस्पोंडेंस बैठा दिया तो ये भी आपका काउंटेबल हो जाएगा। ओके, ये हमने एक फाइनाइट सेट लिया है, तो इतना ही एलिमेंट आप हम नेचुरल नंबर से उठा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ से उठा लेंगे तो 1-1 क्रोस्पोंडेंस बिठा सकते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन एक, और जब रिलेशन बनते हैं क्या हो जाएगा, ए सेट भी काउंटेबल हो जाएगा। अब ए सेट आपका क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ओके, बट रूडीन में क्या बोला है कि जो फाइनाइट सेट होता है ना वो एटमोस्ट काउंटेबल होता है, ये बात रूडीन में लिखा हुआ है। मैं भी और भी सारे बुक्स में लिखे होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक, क्योंकि ये बाकी जगह नहीं, ऐसे ही दिक्कत करता है और जगह दिक्कत नहीं करता है। तो ये काउंटेबल, एटमोस्ट काउंटेबल है ना, ये इस काउंटेबल का ही पार्ट है। तो जहाँ पे एग्जाम में आपका काउंटेबल तो पक्का है, लेकिन एटमोस्ट काउंटेबल वर्ड आए तो एटमोस्ट काउंटेबल भी आपको मार देना है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जेड आपका काउंटेबल सेट होता है, जेड प्लस भी होता है, जेड माइनस भी होता है, क्यू होता है, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा ही था, डब्लू, डब्लू क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, और क्या क्यू ले लिए तो क्यू प्लस भी ले लीजिए, क्यू माइनस भी ले लीजिए, सारे काउंटेबल सेट्स हैं, और भी ऐसे कुछ होंगे, बहुत सारे हैं। ओके, एक चीज़ और है इस एग्जांपल पर आने से पहले, मैं वो चीज़ भी क्लियर कर दे रहा हूँ आपको, इसको एज ए रिजल्ट कह लीजिए कि अगर हमारे पास कोई बड़ा सेट, मान लीजिए ए एस है, ठीक है, और अगर एक काउंटेबल है, अगर एक काउंटेबल है तो इसके अंदर से कोई भी एक उठाइए, ये भी काउंटेबल होगा, ठीक है। मान लीजिए इसको मैंने कुछ ए नाम दे दिया, ठीक है, तो इसको हम लोग लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इफ एस इज काउंटेबल, ठीक है, एंड, अच्छा एंड क्या डायरेक्टली लगा देंगे, इफ एस इज काउंटेबल देन फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ एस ए इज काउंटेबल, क्योंकि अगर एक भी सबसेट अनकाउंटेबल होगा तो उनका, क्योंकि ए इसी का एक मेंबर है ना, ठीक है, अगर एक भी सबसेट इसका अनकाउंटेबल हो गया तो पूरा सेट ही अनकाउंटेबल हो जाएगा, जबकि हमारे पास तो सेट काउंटेबल है, तो कंट्राडिक्शन पैदा कर देगा। ओके, तो इसका कंट्राडिक्शन आप, जैसे एक मैंने पहले ही बताया था कि हर एक रिजल्ट को हम लोग दो टाइप से यूज करेंगे, तो पी इम्प्लाई क्यू, तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉट क्यू इम्प्लाई नॉट पी, दैट इज नॉट क्यू क्या होगा, इफ ए इज नॉट काउंटेबल देन एस इज नॉट काउंटेबल, ठीक है। अब नॉट काउंटेबल तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं कर रहा, तो उसको हम अनकाउंटेबल बनाएंगे कि दैट, अगर ए अनकाउंटेबल हुआ, मतलब किसी सेट का कोई भी एक सबसेट ऐसा मिल जाता है जो अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो पूरा ही सेट काउंटेबल अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट आते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग वो चीज़ आगे देख लेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट करते चलते हैं। अच्छा, इसमें ना अब जैसे इसमें कुछ भी, अब देखिए मैंने जेड जब बोल दिया तो जेड का आधा ही जेड प्लस हो गया, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, उसी तरह जेड माइनस क्या हो गया, सारे निगेटिव इंटीजर्स, तो एन भी क्या है, इसी के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का कलेक्शन है, ए डब्ल्यू क्या है,
पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो का कलेक्शन है। वैसे मैंने क्यू को बोल दिया काउंटेबल, तो क्यू का ही सबसेट है क्यू प्लस, क्यू का ही सबसेट है क्यू माइनस, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है निगेटिव रेशनल नंबर्स। उसी तरह मान लीजिए जेड का सबसेट, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स जेड ले लीजिए, ठीक है। आप इस टाइप से देखते होंगे ए सेट आपके अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, टू टाइम्स जेड इसका मतलब क्या हुआ, ए हो गया इवन इंटीजर, ठीक है, ए इवन इंटीजर्स का सेट हो गया। तो इसी तरह आप इनका कोई भी सबसेट बनाते हैं, ये सब काउंटेबल ही होंगे, ये आपको ऑप्शंस डिस्कार्ड करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो इसको एज ए रिजल्ट हम लोग नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा हर जगह लगेगा, एवरी सेट या सबसेट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मतलब जो एन के साथ वन वन ऑन टू बना रहा हो, ठीक है, इक्विवेलेंट टू एन हैव या हैज कह लीजिए है कार्डिनलिटी। अब थोड़ा देर मैंने क्या बोला, थोड़ा देर पहले बोला था कि जो n का कार्डिनलिटी हो जाएगा और कोई सेट है वो उसके इक्विवेलेंट है तो उसका भी कार्डिनलिटी वही हो जाएगा, तो उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, एवरी सेट इक्विवेलेंट टू n हैव है कार्डिनलिटी, इसका अलिफ नॉट हमने लिया था ना, तो वो अलिफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो दूसरा देखते हैं, एक जो बहुत एक कंट्राडिक्शन में आपको बहुत हेल्प करता है वो क्या है कि इवरी सबसेट, इवरी सबसेट इन्फेनाइट के केस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इवरी सबसेट इन्फेनाइट के सेंस में ऑफ आर, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, इज आइदर क्या इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू, अब वो किसके इक्विवेलेंट होगा, या तो एन होगा या फिर आर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो काउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल होगा। तो यहीं से एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्या है, मैंने आर ले लिया, इसका दो सबसेट है क्यू और क्यू कम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है, और थोड़ा देर पहले मैंने बताया कैसे होता है वो सब भूल जाइए, जो आपको रिजल्ट की जरूरत है बस मैं उतना ही बताते चल रहा हूँ, बाकी मोर डिटेल्स में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना, तो जिसको ज़्यादा डीप में जानना होगा आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई करिए फिर आके आराम से दोबारा समझते रहिए जो भी जानना होगा। इसको मैंने बोला काउंटेबल, ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट और देख लीजिए, क्या काउंटेबल या फिर फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज अ काउंटेबल, मतलब आप जो काउंटेबल सेट्स हैं अगर उनका फाइनाइट यूनियन ले रहे हैं या काउंटेबल यूनिट ले रहे हैं तो फिर से काउंटेबल बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास अच्छा आर के बारे में नहीं बताया था ना, आर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें आप जान जाइए, जहाँ जरूरत पड़ेगी कंट्राडिक्शन की वहाँ मैं प्रूफ करवाऊँगा, ठीक है, आर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तब यहाँ से आपके पास सी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन बचा, तो इसका मतलब सी हमारा अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि अगर अनकाउंटेबल नहीं होगा आप काउंटेबल लेंगे तो इन दोनों का यूनियन आर है, तो काउंटेबल प्लस काउंटेबल का यूनियन काउंटेबल ही होगा, मैंने क्या लिखा है, तो फाइनाइट या काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, बट आर तो अनकाउंटेबल है, ए आपका प्रूफ इंटरव्यू में बड़ा हेल्प करता है ये वाला चीज, ठीक है, आप क्योंकि आप बोलेंगे वी नो दैट आर इज अनकाउंटेबल, जो लोग पीएचडी इंटरव्यू को कर रहे होंगे ए दो तीन लोगों से बहुत बार मतलब दो तीन जगह पूछा जा चुका है पीएचडी में, और भी लोग बताए थे, तो इसमें क्या है कि आप बोलते हैं कि एज वी नो दैट आर इज अनकाउंटेबल एंड क्यू इज काउंटेबल, सो इफ वी टेक क्यू कम्प्लीमेंट इज काउंटेबल देन काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, बट आर इज अनकाउंटेबल सो क्यू सी सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग सो क्यू सी विल बी अनकाउंटेबल। अब मैं काउंटेबल यहाँ पे यूनियन बोल रहा हूँ, काउंटेबल यूनियन, तो थोड़ा देर पहले मैंने क्या बताया था कि फाइनाइट वाला क्या बताया था, ओके छोड़ो, फाइनाइट वाला ए बताया था कि फाइनाइट सेट को भी कहीं कहीं काउंटेबल काउंट ट्रीट किया जाता है, कहीं कहीं एटमोस्ट काउंटेबल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस दोनों में रिलेशन देखना चाहें तो ऐसे समझ जाइए कि जो एटमोस्ट काउंटेबल है ना, एटमोस्ट काउंटेबल ये क्या है, काउंटेबल का एक बच्चा है, मतलब सदस्य मेंबर ऐसे कह लीजिए,
मतलब काउंटेबल फैमिली का एक छोटा सा है, बच्चा है और कुछ नहीं है। तो जब काउंटेबल हो गया तो उसमें सारे एटमोस्ट वगैरह सब कुछ ही आ गए, ठीक है। तो वही चीज़ एटमोस्ट कहने का मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है कि हम फाइनाइट्स पे बात कर रहे हैं। तो वही बात है कि काउंटेबल यूनियन की बात करें, मतलब अब मैंने दो बार लिया ना, आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो आर आ जाएगा। मान लो आपको ऐसे बहुत सारे ए भी इन्फिनेट सेट है, ए भी इन्फिनेट सेट है, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके पास हज़ारों सेट हों। तो हज़ारों सेट मान लो सारे काउंटेबल ही हैं, तो जैसे मान लो ले लिया A1 ले लिया, यूनियन A2 ले लिया, यूनियन ऐसे ऐसे करके मान लो मैंने A1000 ले लिया। और अगर सारे काउंटेबल हैं तो इसका यूनियन मान लो कुछ कुछ जो भी मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने R ही मान लिया, ठीक है। अच्छा R नहीं मानना चाह रहे, कुछ S मान लीजिए। तो अगर ये सारे काउंटेबल होंगे तो S भी काउंटेबल हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक अगर अनकाउंटेबल हुआ तो तुरंत ही S अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के ट्रिक्स हमें हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम में ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने के लिए। ओके तो आई थिंक एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा क्या था? ओके अब इसमें फंक्शन के टर्म में कुछ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा कार्डिलिटी की हम लोग बात कर लेते हैं। एक चीज़ और आप पढ़े होंगे कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो इसके पावर सेट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते हैं? 2 to the power n हो जाते हैं। मतलब क्या है? इक्वल टू 2 to the power कार्डिनिटी ऑफ ए। मैं हर सिंबल बार बार मिक्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप उनका हैबिचुएटेड हो जाएं। अगर ऐसा सिंबल आए तो भी आप मीनिंग समझे, ऐसा सिंबल आए तो भी मीनिंग समझे, ठीक है। तो ये होता है कार्डिनिटी ऑफ ए, इफ कार्डिनिटी ऑफ ए इक्वल टू एन, देन कार्डिनिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 to the power कार्डिनिटी ऑफ ए, दैट इज 2 to the power n, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं नेचुरल नंबर पे, ठीक है। हमारे पास नेचुरल नंबर का कार्डिनिटी क्या था? हमने अलिफ नॉट लिया था ऐसे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर सेट बनेगा उसका क्या हो जाएगा कार्डिनिटी? कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ओके क्या होगा ये बात की बात है। उसी तरह कार्डिनिटी ऑफ आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो ए होता है आपका सी, सी क्या होता है? कंटीन्यूम नंबर। क्या होता है बस भूलिए, बस एक जानिए कि एक नाम है ऐसे कुछ। आपको ये दो सिंबल याद रखना है कार्ड काउंटेबल्स के लिए, अलिफ नॉट मतलब एक एन टाइप का कुछ होता है टेढ़ा मेढ़ा, और उसके नीचे एक सुन्ना टाइप पे लगा देते हैं, हो गया अलिफ नॉट। और एक ये छोटा सा सी है, कर्ली सी टाइप का होता है, कैलोग्राफिक सी जो हम लोग लिखते हैं ना उस टाइप का होता है ये, होता है इसको हम लोग कंटीन्यूम नंबर बोलते हैं। ये होता है आर का कार्डिनिटी, ठीक है। तो इसको आपको कहीं कहीं ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ कार्डिनिटी ऑफ आर, तो बात वही है, ठीक है। ओके तो अब यहाँ से पावर सेट, इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर सेट बनेगा उसका कार्डिनिटी क्या हो जाएगा? 2 to the power c मतलब कंटीन्यूम नंबर। ओके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक सेकेंड मैं डायरेक्टली रिजल्ट बता के आपको निकलूंगा कि कोई भी इंटरवल है ना, ठीक है। तो जैसे मैंने ए इंटरवल ले लिया A to B, जैसे थोड़ा देर पहले सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की हम लोग बात कर रहे थे, तो ए से बी के बीच में कितने रियल नंबर हैं? तो आप तो ऐसे तो बोलेंगे इनफाइनाइट हैं, ठीक है। तो अभी मैं बोला कि जैसे अब हम लोग ये यूज करेंगे इसकी कार्डिनिटी के लिए, तो अब इसका जो कार्डिनिटी का बात करेंगे ये हो जाएगा सी, यही वाला सी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फिनाइटली मेनी है। अगर यही हम नेचुरल नंबर की बात करते, मान लो मैंने 2 से 3 ले लिया, एक क्लोज इंटरवल है, या मान लीजिए मैंने कुछ 5 तक ले लिया अगर ओपन भी दें, तो मैं बोलूँ कि इसमें अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो कितने होंगे? तो 3 और 4 2 हो जाएगा। लेकिन ये हम मतलब वो तो एक 12th क्लास वाला क्वेश्चन हो गया, वैसा आपको नहीं देता है, आपको सीधे कार्डिनिटी की बात करता है। तो कार्डिनिटी मतलब इसके बीच में कितने रियल नंबर है, तो उस केस में हो जाएगा आपका सी। तो आप कोई भी इंटरवल ए से बी ले लीजिए तो उसका जो कार्डिनिटी होता है सी होता है। ओके अब इंटरवल किसी टाइप का लिख सकते हैं, लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, लेफ्ट राइट बोथ क्लोज, लेफ्ट राइट बोथ ओपन, ये सारे की कार्डिनिटी क्या होती है? अगर इसको ए नाम दे दूं, ए इतना या इतना या इतना या इतना, तो इसकी जो कार्डिनिटी हो जाएगी ए की क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। और सी किसके कार्डिनिटी था? हमने थोड़ा देर पहले देखा था आर का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ना टेढ़े मेढ़े रिलेशन है जो हमें काम देते हैं, तो इस पे हम लोग बाद में आएंगे, इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस इतना ही काम था। ओके जो भी सेट इस आर की, हम मैंने बोला था कार्डिनिटी के बारे में कि अगर दो सेट के बीच में हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन बना पा रहे हैं तो दोनों का कार्डिनिटी सेम हो जाएगा।
तो यहाँ से ये होता है कि जो भी सेट आर के इक्विवेलेंट होगा उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिए 2011 में पूछा हुआ था।